अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डाइजेशन और न्यूट्रिशन। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने जो की थी वो फर्टिलाइजेशन के ऊपर थी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। अब हम लोग उस हिस्से को वहीं पे क्लोज कर रहे हैं और जो नया ये सिलसिला स्टार्ट करेंगे, एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे वीडियो लेक्चर्स की, उसमें हम लोग डाइजेशन और न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जनरल रिव्यू की तरफ आएंगे कि न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, डाइजेशन किसे कहते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर उसमें होते हैं, और फिर फर्दर इस समरी में एक एक पॉइंट को हम लोग एक एक लेक्चर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हेडिंग है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की तरफ आते हैं। न्यूट्रिशन ये एक ब्रॉड फील्ड है। ठीक है, डिफरेंट न्यूट्रिशन साइंसेज है, फूड न्यूट्रिशन इसमें आ जाती है, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पे बायोलॉजी के लिए ऐसे ही पढ़ेंगे कि हम इसे फील्ड में नहीं ले जाएंगे, हम इसे एक एज अ प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है, ये एक प्रोसेस है। किसका ये प्रोसेस है, जिसमें बनाया भी जा सकता है, प्रिपेयर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, अगर प्रिपेयर नहीं है तो कंज्यूमिंग, बनाना और फिर कंज्यूम कर लेना। किसको बनाना और कंज्यूम करना, फूड। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड कंज्यूमिंग ऑफ फूड, फूड खाने खुराक जिसे हम लोग कह लें डाइट, गजा। ठीक है, उसे बनाना फूड को, फिर उसे कंज्यूम कर लेना। अब बात यहां पे आती है, फूड बनाना ठीक है, कंज्यूम भी ठीक है, लेकिन जरूरत क्यों है, तो वो किस लिए जी, टू मेक इट बॉडी पार्ट। तो प्रॉपर डेफिनेशन न्यूट्रिशन की क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग मेकिंग ऑफ फूड एंड प्रिपेयरिंग कंज्यूमिंग ऑफ फूड एंड मेकिंग इट बॉडी पार्ट, खुराक को बनाना, उसे इस्तेमाल करना, इस्तेमाल से हमारा यहाँ पे खा लेना, और बाद में उसे जिस्म का हिस्सा बनाना, उसको इस्तेमाल करके हमारी मसल्स को ग्रो करवाना, मसल्स ने फॉर्म करना, हड्डियों की ग्रोथ करवाना, उसमें कैल्शियम या न्यूट्रिशन जितने भी हमें चाहिए वो खुराक से मिलेंगे, जो हमारी बॉडी का हिस्सा बनेंगे और हमें एबिलिटी देंगे मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए। तो ये जो ब्रॉड टर्म है जिसमें खुराक बनाई जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है, बाद में खाई जाएगी और जिस्म का हिस्सा बन जाएगी, इसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। अब जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, जब भी लफ्ज न्यूट्रिशन इस्तेमाल होता है तो उसमें न्यूट्रिएंट ना हो तो ये तो लाजमी नहीं है। तो यहां पे हम लोग जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि जिसमें हम लोग बनाते हैं, खाते हैं फूड, वो फूड बेसिकली क्या है जी, दिस फूड इज अ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, दीज आर द सब्सटेंस टेकिंग इन बॉडी थ्रू न्यूट्रिशन। ठीक है जी, सो द सब्सटेंस विच इज टेकन इन बॉडी थ्रू न्यूट्रिशन, वो केमिकल, वो सब्सटेंस, वो न्यूट्रिशन मिनरल्स, जो भी कह लें खुराक न्यूट्रिशन के दौरान जो चीज़ हम एक एनिमल एक प्लांट यूटिलाइज करता है इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, उन चीज़ों का हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब ये मिनरल्स हैं, ये एसिड बेस भी हो सकते हैं, ये मैक्रोमालिक्यूल माइक्रोमालिक्यूल, ये सारा कुछ होता है। ठीक है, जिस और ऐसी डाइट जिसके अंदर ये सारा कुछ हो, हम उसे बैलेंस डाइट का नाम देते थे। ठीक है, अच्छा जी, अब बात की जाती है न्यूट्रिशन। चल जी, हमें ये भी पता चल गया कि इन चीज़ों को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो चीज़ें हम लोग खाते हैं वो फर्ज समझ लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो ज़रूरत क्या है, न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए क्यों, तो उसके लिए ऐसे बात करते हैं सिग्निफिकेंस। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते चले कि ये न्यूट्रिशन ही है जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आ रही, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है वो डायरेक्टली इंसान के पेट के साथ आके ताल्लुक करती है। तो स्टार्ट करते हैं जी, सिग्निफिकेंस की तरफ आते हैं। तो जो न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट्स है, उसकी सिग्निफिकेंस में आता है ये जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले सेल डिवीजन के लिए चाहिए। ठीक है जी, क्या हमें पता है सेल को डिवाइड करने के लिए मटेरियल चाहिए, क्योंकि उसने अपनी जितने भी जिस्म सेल के अंदर चीजें होंगी उसकी रेप्लिकेशन करनी, तो उसके लिए मटेरियल कहां से आएगा, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है वो, सेल के पास जो बॉडी के अंदर एक सेल है वहां तक कैसे पहुंचेगा, तो वो न्यूट्रिशन ही है जो उसे देगी। नंबर टू, चले सेल डिवाइड नहीं कर रहा, फर्ज कहते हैं सेल को डैमेज हो गया या बॉडी में डैमेज हो गया, तो रिपेयरिंग के लिए। ठीक है जी, उसके बाद मेंटेनेंस के लिए, कि नए से नई चीजें बना के मेंटेन रखना। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, जिस तरह के हम लोग अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस करवाते हैं। ठीक है, उसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए,
हमें न्यूट्रिशन ही रिक्वायर है, क्योंकि न्यूट्रिशन होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर वो एक्टिविटीज होंगी जिससे वो ऐसे हार्मोन्स बनाए जाएंगे उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करके जो हमारी रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो उसके उनके लिए चाहिए होती है। ठीक है, सेल डिवीजन के लिए, रिपेयरमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होती है। और जब ये सारा कुछ एक जानदार के अंदर हो रहा होता है तो अल्टीमेटली वो सर्वाइवल है। ये सारी चीज़ें या न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा क्या जी, सर्वाइवल के लिए चाहिए। वजह सेल रिपेयर होगा तो जितने भी ग्रोथ होगी, नुकसान हुआ रिपेयरमेंट हो गई, इंसान या जानदार जो भी है जिंदा बच गया। उसके अंदर मेंटेनेंस है कि अगर कोई खराबी हो रही है तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, रिप्रोडक्शन है कि उसने न्यूट्रिशन मिली, उस न्यूट्रिशन से उसे एनर्जी, उसके अंदर मटेरियल ऐसे बन चुके हैं कि वो अगली नस्ल पैदा कर सकता है। और अल्टीमेटली जब एक जानदार के अंदर ये सारा कुछ हो रहा होता है तो वो माहौल के अंदर जिंदा बच सकता है, यानी कि वो सर्वाइव कर सकता है। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस विच टेल अस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है जी, दो टॉपिक्स अक्सर, ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के मोड क्या है, तरीके क्या है, अब ये डिफरेंट है। ठीक है, पहले बात की जाए, हम लोग यहाँ पे जर्नल परस्पेक्टिव के लिए ऐसे पढ़ेंगे, वो हैं दो, ऑटोट्राफ और हिटोट्राफ। लेकिन आगे ऑटोट्राफ और हिटोट्राफ में भी फर्दर सब डिविजन की जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जी ऑटोट्राफ एंड हिटोट्राफ, ये दो हैं जी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले मोड को क्लियर करते हैं। मोड क्या जी, ये तरीका है, एक जानदार खुराक बनाता कैसे है, उसे इस्तेमाल कैसे करता है, इसे हम लोग कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये डेफिनेशन में दो चीजें, प्रिपेयरिंग कंज्यूमिंग, बनाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकता है, और या बनाई नहीं है किसी दूसरे से लेके इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि इन दोनों में हम लोग जनरली जानते हैं। इसमें क्या होता है जी, ऑटोट्राफ ऐसे जानदार को कहते हैं जो कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। जबकि ये जो होते हैं जी हिटोट्राफ, ये कंज्यूम है, ये प्रिपेयर खुराक नहीं कर सकते, नॉट प्रिपेयर। अच्छा जी, ये ऐसी एनवायरमेंट में रहते होंगे जहां पे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ज्यादा हैं, और ये ऐसे एनवायरमेंट में रहते होंगे जहां पे इन्हें ऑर्गेनिक कंपोनेंट ज्यादा मिलता है। ठीक है जी, ऑटोट्राफ की बात की जाए तो ऑटोट्राफ के अंदर हम लोग बात करते हैं जी, ये प्लांट है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्जी जिसे साइनोबैक्टीरिया वो आ सकता है, ठीक है जी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी आ सकते हैं। इनकी बात की जाए तो एनिमल, फंजाई और डीकंपोजर, वो बैक्टीरिया जो डीकम्पोजर की टाइप में हम लोग वो बैक्टीरिया ले रहे हैं जो फोटोसिंथेटिक नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो ऑटोट्राफ होते हैं, ठीक है जी, हम लोग इनकी कैटेगरी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग हिटोट्राफ की बात करते हैं। हिटोट्राफ ऐसे जानदार को कहा जाता है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, ठीक है, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, ये दूसरे जानदारों से बिलखसूस ऑटोट्राफ से खुराक लेते हैं जनरली। ठीक है, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल हिटोट्राफ। अब कैसे जी, हिटोट्राफ की मुख्तलिफ हम लोग सब डिवीजन कर लेते हैं। अब ये जो हिटोट्राफ है, ठीक है जी, इसकी हम लोग मुख्तलिफ सब डिवीजन कर लेते हैं। हिटोट्राफ का जो मेन डेफिनेशन में आता है वो ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, दूसरे जानवरों से लेते हैं। नॉर्मली यहाँ पे ये गलती कर ली जाती है या स्टूडेंट से समझने में ये गलती होती है कि हिटोट्राफ ऐसे जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि ऑटोट्राफ या प्लांट से खुराक लेते हैं, तो ये हर कंडीशन में सही नहीं है। कुछ हिटोट्राफ ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरे जानवरों से ही खुराक लेते हैं, उनको खा जाते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग देखने लगे हैं। सबसे पहले आते हैं हिटोट्राफ की सब डिवीजन में हर्बीवोर। ठीक है जी, ये वो जानवर हैं या वो एनिमल लाइक एनिमल्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते क्योंकि हिटोट्राफ है, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और ये प्लांट से, ठीक है जी, ये प्लांट से अपनी खुराक लेते हैं, इसी वजह से इन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। अब इनमें शीप आ जाती है, ठीक है जी, कैटल्स, ठीक है, आ जाते हैं, हॉर्सेज आ सकते हैं, एसेस, ठीक है, जिन्हें हम लोग गधे कहते हैं, जंगली गधे आ सकते हैं, राइनो, वो भी आ जाता है हर्बीवोर में। दूसरे नंबर पर जो कैटेगरी है वो है कार्निवोर।
ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि कारनी है, गोश्त खोर है, वो दूसरे जानवरों को मारकर उनका गोश्त खाते हैं जिससे उन्हें अपने फूड मिलता है, बाद में उसे अपनी बॉडी का पार्ट बनाते हैं। तो ऐसे जानवर को हम लोग कार्निवोर कहते हैं, जिसमें शेर है, ठीक है, लायन, टाइगर आ जाता है, चीता आ जाता है, ठीक है, वुल्फ आ जाता है, ठीक है, कायोटी आ जाते हैं, ये वाले जानवर आ जाते हैं। देन उसके बाद इंसेक्टिवोर, ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि कीड़े मकोड़ों को खा के अपनी खुराक पूरी करते हैं, अपनी जिस्म के लिए जो इन्हें न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वो पूरे करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। देन और इसकी एग्जांपल में एंट ईटर आ जाता है, ठीक है जी, आर्मा ड्रिलो आ जाते हैं। उसके बाद आता है ओमनीवोरस, ठीक है जी, ऐसे जानदार जो जिनके पास इन दोनों की खासियत हो, यानी कि वो प्लांट उनसे भी अपनी न्यूट्रिशन पूरी कर सकते हैं और कार्निवोर गोश्त खाकर भी अपनी दूसरे जानवरों को मारकर उनका गोश्त खाकर भी अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। इसके अंदर बियर आता है जिसे रीच कहा जाता है, पिक सुअर आता है, खंजीर जिसे कहते हैं, और ह्यूमन इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए ऐसे जनरल टू टाइप्स होती हैं और आगे हेटरोट्रॉफिक की ये सब डिवीजन है। इससे अलावा भी हैं, फ्लूइड फीडर है, फिल्टर फीडर है, ठीक है जी, इसके अलावा डेट्रीवोरस हैं, ठीक है, वो हम लोग जैसे जैसे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्लियर करते जाएंगे। अब बात करते हैं जी न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है जी, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स की भी दो आगे क्लासिफिकेशन है, एक है जी मैक्रो और दूसरा है माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, अभी तो हमने न्यूट्रिशन की बात की, अब न्यूट्रिएंट्स भी है कि कौन से केमिकल हैं या कौन से केमिकल ज्यादा लिए जाते हैं, कौन से केमिकल कम लिए जाते हैं। तो वो केमिकल जो हम लोग डेली रिक्वायरमेंट में ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल या न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें कार्ब आ जाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें। और मैक्रो मॉलिक्यूल बेसिकली उन चीजों को हम लोग कहते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्यों, बहुत जरूरी है लेकिन बहुत कम मिकदार में, ट्रेस अमाउंट में चाहिए। उनमें क्या आ जाते हैं, उनमें मेजर मिनरल्स हैं और वाइटामिन्स हैं, ठीक है, मिनरल्स और वाइटामिन्स। आगे मिनरल्स और वाइटामिन्स की भी आगे डिवीजन है कि कुछ मिनरल्स हमें थोड़े से ज्यादा मिकदार में चाहिए, कुछ सिर्फ नाम के ही, यानी कि बहुत 0.0 समथिंग मिकदार में जाके हमें चाहिए। तो आगे मिनरल्स और वाइटामिन्स की भी आगे डिवीजन है जो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये न्यूट्रिशन के लिए ऐसे, न्यूट्रिएंट्स के लिए ऐसे हम लोग दो टाइप बनाते हैं, मैक्रो जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स आ जाते हैं, और इसके मतलब हम लोग डिटेल से बायोकेमिस्ट्री के जब हमने लेक्चर डिलीवर किए थे उसमें था। देन उसके बाद माइक्रो है जिसमें मिनरल्स और वाइटामिन्स आते हैं, ठीक है, आगे इनकी भी डिवीजन है, कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है जी, कैल्शियम हमें डेली रिक्वायरमेंट में ज्यादा चाहिए तो हम उसे माइक्रो मिनरल्स कह देंगे, मेजर मिनरल कह देंगे, और आयोडीन, मैग्नीज हमें बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, हम उसे माइनर कह सकते हैं। इस तरह वाइटामिन्स हैं, दो टाइप्स हम लोग इसे देते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल हमें बहुत कम चाहिए, वजह हमारी बॉडी में डिजॉल्व आसानी से नहीं होंगे, जबकि वाटर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 60-90% वाटर ही है, तो ये जल्दी से कंज्यूम हो गए, यूरिन डेफिकेशन के जरिए निकल जाते हैं, लिहाजा हमें इनकी रिक्वायरमेंट बार बार पड़ती है, तो वाटर सॉल्युबल हमें बार बार चाहिए। तो यहाँ पे आके हमारा न्यूट्रिशन का जो हिस्सा है वो कंप्लीट होता है, लेकिन हेडिंग में डाइजेशन भी है, तो पहले से हमने लिखा हुआ उसकी तरफ आते हैं। डाइजेशन क्या जी, न्यूट्रिशन में तो आपने खुराक ओवरऑल पढ़ना है कि खुराक खाई, जिस्म में गई, जिस्म का हिस्सा बनी, जो नहीं चली गई, जो हिस्सा बनी है वो किस किस काम में आ गई। डाइजेशन में हम लोग सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि खुराक हमने ली वो साइज में बड़ी थी, हमारे सेल्स के अंदर नहीं जा सकती, सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस आउट नहीं हो सकती, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस किया कि वो खुराक जो आपको नजर भी आ रही है उसको इतने छोटे पीसेस में तोड़ दिया कि एक सेल जो हमें नजर नहीं आता उसकी मेम्ब्रेन से वो अंदर जा सके, मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस आउट हो सके, मेम्ब्रेन से ट्रांसफर हो जाए, प्रोसेस जो भी हो, डिफ्यूजन हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या फैसिलिटेटेड जो भी हो। तो जो डाइजेशन है इसके रिलेटेड जनरल जो डेफिनेशन यूज की जाती है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होती है, चीजों को तोड़ा जाता है। कौन सी जी, लार्ज और कॉम्प्लेक्स चीजें, बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीजें, काफी ज्यादा पचीदा होगी, बहुत ज्यादा बॉन्ड होंगे, ग्लाइकोस्टेटिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है जी, अल्फा 1,6 बीटा, ये सारे बॉन्ड के नेचर में आएंगे, तो इनको तोड़ना है सिंपल। और ये वाला पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजेबल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो डिफ्यूज हो जाए, सेल से गुजर जाए, ठीक है जी, डिफ्यूज कर सके, डिफ्यूजन आसानी से हो जाए, उन्हें हम लोग कहते हैं डाइजेशन। अब ये जो डाइजेशन होती है इसको कुछ
फर्दर हम लोगों ने प्रोसेस वाइज के सबसे पहले खुराक यहाँ पे जाती है, फिर ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, उस लिहाज से हमने डाइजेशन के कुछ स्टेप्स बनाए हुए हैं, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, टर्म्स ऑफ यूज इन डाइजेशन, ठीक है जी। उनकी बात की जाए तो सबसे पहले आता है जी इंजेशन, ठीक है जी। इंजेशन खुराक को जिस्म के अंदर लेके जाना या आसानी से बराबर जिस्म में लेके जाना। अब एनिमल्स की बात की जाए तो इंजेशन के अंदर हम लोग बाइट के काट के तोड़ना, च्युइंगिंग और मस्टिकेशन, ये सारा कुछ इंजेशन में आ जाता है। देन दूसरे नंबर पे आता है जी डाइजेशन, ठीक है जी। डाइजेशन दो जगह पे होती है, स्टमक और इंटेस्टाइन। अब कौन सी जी, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट टू पोर्शन, ड्यूडिनम और जुजिनम। और डाइजेशन के लिए हमें मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है जी, तो वो जूस होते हैं, एंजाइम होते हैं, लिहाजा डाइजेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमने सेक्रीशन भी उसी में देखनी है, ठीक है। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन आती है और इसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है, लेकिन उसका लास्ट पार्ट जिसे इलियम कहते हैं वो यूज हो रहा होता है। तो हम लोग अब्सॉर्प्शन विलाई के थ्रू होती है, ठीक है, वो हम लोगों ने देखना है। अब्सॉर्प्शन के लिए कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं वो हमने देखना है। देन उसके बाद आती है जी यूटिलाइजेशन, ठीक है, यूटिलाइज करना। तो इसके अंदर बायो एनर्जेटिक्स नॉर्मली यूटिलाइजेशन, जब भी हम लोग बात करते हैं तो बायो एनर्जेटिक्स का वो टॉपिक जो एनिमल्स को रिलेट करता है उसमें डिटेल से जाते हैं, जिसमें हमें पता है जी ग्लाइकोलाइसिस होती है, ठीक है जी, प्रोटीन को तोड़ा जाता है, लिपिड्स को तोड़ा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस में कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा जाता है, फिर क्रेब्स साइकिल है, पायरेविक ऑक्सीडेशन है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और एट द एंड क्या होता है, यूटिलाइजेशन, हमें एनर्जी मिल जाती है। और अगर एनर्जी ना मिले तो उसके जरिए हम अपना बॉडी मास, अपनी हड्डियों में कैल्शियम को स्टोर कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस में आ जाते हैं। और एट द एंड जहां पे इसके बाद अगला प्रोसेस होता है वो है डेफिकेशन, ठीक है जी, या ईजेशन, ठीक है, आई एन को निकाल के ई लगा दें, ईजेशन। इसमें वो चीजें जो अभी तक अब्जॉर्ब नहीं हुई हमारे जिस्म में उन्हें जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है जी, जिसे हम लोग उर्दू में रफा हाजत कहते हैं, जिसके लिए इंसान को वॉशरूम जाना पड़ता है। सुबह उठ के सारे ही वॉशरूम जाते होंगे तो यू कैन, आप समझ सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है डाइजेशन के, इनको हमने फर्दर आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू करना है। फिर पहले हम लोग इनवर्टिब्रेट की बात करेंगे, फिर वर्टिब्रेट में आएंगे, वर्टिब्रेट के अंदर आने के बाद हम लोग मैमल्स की पढ़ेंगे, ठीक है, मैमल्स के अंदर हम लोग कैटल्स की पढ़ेंगे, फिर आई थिंक हम ह्यूमन की पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी लेक्चर अच्छे खासे चलने वाले हैं, तो मन लगा के इसमें ध्यान दीजिएगा। और ये लेक्चर आज का हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। इसमें हमने न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और डाइजेशन और टर्म्स ऑफ डाइजेशन ये हमने पढ़ा। तो इस वीडियो के मतलब अपने राय मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।